एक्साइड इंडस्ट्री शेयर को लेकर। लेकिन एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और वो है एक्साइड का। एक्साइड में हम लगातार तेजी देख रहे हैं और आज भी करीब 4% के आसपास का उछाल है एक्साइड के शेयर में। 500 रुपए के ऊपर जाकर मजबूती और इसकी बढ़ रही है। एक्साइड को लेकर खबर भी आई कि इनके एक आर्म है, एक्साइड की कोई सब्सिडरी है, उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए लिथियम आयन बैटरीज के लिए। एक्साइड का जरा चार्ट चेक कीजिए तेजस, कहां तक आपको शेयर जाता हुआ दिख रहा है और क्या नई खरीद कर सकते हैं या फिर आप छोड़ दें इसको? नहीं, डेफिनेटली नहीं खरीद कर सकते। स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ, इसका जो ब्रेकआउट का स्तर था वो करीबन 515 का था। 515 के बाद स्टॉक में एक थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली देखी थी कल के क्षेत्र में हमने, लेकिन आज वापस हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको 505 का स्टॉप लॉस लगाना है, इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 560 का, और वो सरपास करता है तो ये स्टॉक 580 तक भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए एक्साइड इंडस्ट्री में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक्साइड के शेयर में।